हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। कहे कैसे होए तो बतावत या चुटकी रानी, यही सबद के साथ है राजा ना हो है नेस। अरे तब तो रानी लाग बताओ थोड़ा बिरहा के भावा मास्टर। अरे की डोला के भीतरी से अरे कह रानी सुरची, अरे लाल लाल काढ़िया नया नावा। महाराज ये सबद के साथ हमारा गुजारा ना है ना, हम जोर कही हुकूमत हमारा चले, पहले राजा साहब इनके घर से निकाल दिया तब तो हम डोला पर से उतरब ना, हमारा डोला वापस। अरे राजा कहे रानी सुना कहे भी ना, इतना नाराज होती है। राजा कहे रानी रुक जा थोड़ के सुन लिया, हम कुछ कह जाए। रानी कहे सुना ये सबद के साथ गुजारा ना हो, इनके जेवर गहना जितना बाट है। फिर क्या बात यहाँ है भैया की डोला के भीतरी से कहे रानी सुरची लाल लाल काढ़े नैना। कहीं पहले सबत राजा घर से निकाल दिया तब चलबे तोरे भवाना। अरे गाढ़ा का कपड़ा दिया पहिना इन कै छीन लिया जे हुकूमत ही है बा हमारे, हमारे कहा भी है कि इनका जेवर गहना जितना बा सब उतरा लिया। भाई रे भाई आज समय गिर गया भैया, आज महल के रहने वाली राज रानी, लेकिन आज एक ठान से समय गिर गए। रानी हुकुम लगा दी कि इनका जेवर गहना जितना बा सब वह जो पुराने जमाना वाली धोती रहा है दादी अरे पहनत रही जे कम मोटिया कहते हैं, कहीं एक ठीक मोटिया इनका पकड़ा दे, इनका साड़ी दुलारी जेवर गहना जितना बा सब। हे भैया और का हुकुम लगावती है कि एक शेर जो जोन तोरे महाराज हाथी घोड़ा दरबार में खाते हैं और का वही जो के इनका खाक दा दूसरा अनाज इनका न दिया जोताओ कहता जोता भाई पहले हंगाई लिया जोते बाद में तत्ता अगर जोतो हम नहीं कहते यानी कि जो जेका हाथी घोड़ा खाते हैं इतनी बात जब रानी कही तो महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहे रानी एक बात हमारे सुना, कहीं एक बात और सुन लिया तो हम सुनाई कहीं का कहीं या कैसी राजा खाने का दिया राजा तौल हमारे समनवाला। अरे हतवा मा बासिन के दिया पकड़ा है राजा कौवा हाड़ा में भवान। हाथ में इनका डंडा पकड़ा दिया बांसे के पूरे नगर के कौवा हड़ावे, आज से ये कौवा हकनी बन के रहा है। हाँ भैया इतनी बात जब रानी कही तो राजा खा कर ठकरे मार गए, ठटरा मार गए, कुछ सुझता है ना, ना। लेकिन बतावत काम है हाँ। कि हाथवा मा बांसिन के दिया पकड़ा है राजा कौवा हड़ावे ऐसी बतिया कही जब रानी राजा ठाड़ समय
हे भैया राजा लागे समझावे कि महारानी हमरो एक बात सुन लिया कहीं का सुनावा चाहता है ऐसी बतिया कहीं जब रानी राजा ठाड़ समय अरे दो चार महीना रानी मिल के रहा जाए दोनों जनी साथे ये विचार बा कि दो चार महीना दोनों जने मिल के रहा महारानी अगर हमार बड़कई रानी कोनो गलत काम करे तो रहन लेके बरे हम तैयार रही लेकिन कहत का बात राजा कहत हन राजा कहत है सुना हमारी रानी आखिर तू है दो चार महीना रानी मिल के रहा जाए जौकर रही तुहरे साथे मा पाचे के दिहु रहाना रानी कहीं कि महाराज तू दो चार महीना के बाद करता है हमसे एक दिन ना चले एक दिन हमसे ना चले वह बतावत यहाँ कि दो चार महीना बहुत होएगा राजा हमसे चले एक दिन अरे जतना कही वतना करे का पर ये राजा जो भला चाहा भलाई चाहा तो जोन हम कही आज से हुकूमत हाँ चालू हो जाए अरे कहे महारानी दो चार महीने दोनों जने मिल के रहा अगर हमारा रानी जोन गलत करे उका और हां लेके भरे तैयार रही छोटकई रानी कही सी अपन भलाई चाहा तो हम जोन कही आज से हुकूमत हाँ चालू दो चार महीना बहुत होएगा राजा हमसे चलले को दिनावा जितना कही उतना करई का परे राजा जो भला ऐसी बतिया कहई जब रानी राजा टुकुर टुकुर चितवाई समान काकरे छटकाई रानी झदाई के हड़ियाई अच्छा तो राजा ठकरा मार गए हां भैया ऐसे खड़ा का खड़ा टुकुर टुकुर लागे चितो है अच्छा रानी कही तो दो चार महीना कहा था कि हम इनके चल जाए हाँ। अरे दो चार महीना नहीं एक दिन हमसे ना चले एक और रात ना चले लेकिन भैया मास्टर जब इतनी बात भेद करत काम है अच्छा टुकुर टुकुर चितो ऐसा मनवा राजा बोले यही खार के कहा न मान्यो दो सर सा दे तो देहो करवा के और दो सर सा दे कै फल राने भोगा तू आघाय के राजमहल मोर खा ले कई जा जेवर दिए अवतार के बड़ी रानी का है राजा से हाथ जोर से नाई के कंधा कई का वस्त्र दे जा जेवर दिए अवतार के कंधा कई का वस्त्र दे जा जेवर दिए अवतार के और रहई के बरिया राजा यक झोपड़ी के त्यागवाय के कहते यादव तब राजा यक झोपड़ी दीना बनवाय के अरे जाई वो हम बड़की रानी सब सुख का बिसराय के राज करत बा छोटकी रानी राज महल माय के अरे शादी जब भे करत दो हे भैया करबे का करे छोटकई रानी जो हुकूमत लगाई राजा पहुंचे रानी के पास जितनी सार जेवर गहना रहा सब उतरवा के जब साड़ी में हाथ लगाए हाँ। तो बड़का ईरानी हाथ जोड़ खड़ी महाराज इतना गलत काम नान करे हाँ। कि धनो लेता है तो धर्मो लेता है हाँ, मुर्दवा जीन ले भाई आप रुक आते इतन ढाके के महाराज हमका एक वस्त्र जरूर चाहिए हाँ, हाँ।
राजा साहब जेवर गहना उतरा है, मोटिया वाली धोती है, एक बांसे का डंडा पकड़ा दे कहीं आज से नगर का कौवा हाका। हाँ। तो का रानी कहन की हमारा शादी करोगे तो घर के बर्बादी होए। आवाज ही बतिया तो हो रे आगे उतर पड़ी, लेकिन कहा थे भगवान के घर देर बांध देर देर ए भैया। इतनी बात जब कहे तो राजा टुकुर टुकुर लागे राजा की रानी लाग समझावे, लेकिन राजा करवे काकरे सब उतरवाई के ले जाए के एक जंगल में। हाँ, बढ़िया कुटिया। हाँ, मड़ाई छवाई दे सारा सुख कई राज भोग सुख छोड़ के। हाँ, आज रानी के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत। हाँ, कि बाबूजी एक जंगल में पहुँच के। हाँ, वही भगवान के भजन कर भजन करते हैं बेटवा। एक समय में राजा साहब उनका ज्ञान दे। हाँ, महारानी हमारे विचार भाग की चला जंगल में भगवान के भजन करी तपस्या करी। हाँ, हो सका था परमात्मा। हाँ, सुन ले। तो रानी के विश्वास ना पड़ा कि भगवान के भजन करे में कितना बड़ा आनंद है भैया। आई वह माँ बड़की रानी सब सुख का बिसराई, वह राज करत बा छोड़ के रानी राज महल में। अरे शादी जब भे कराता दू जब से रानी सुरची आई, अरे सुनती दुख भोगत है भाई, अरजी सुनत भये रघु। अरे रानी बैठैया रोई रोई कर तैयार, हे भैया। रानी भाई जंगल में पहुंची, जंगल में कौनो सहारा ना भाई, कौनो ना भाई, लागी भगवान के भजन करे। लेकिन सोचत यहाँ के हे परमात्मा। हाँ। ये जंगल में अब तो तुम्हें हमारा सहारा है। हाँ भाई। लेकिन रानी अपने वही बियाबान जंगल में भगवान के टेरत यहाँ भजन करते हैं। थोड़ा तर्जबा मास्टर वही भजन के। अरे मड़हिया के हमारी, अरे मड़हिया के हमारी, गोरो रखवार हो मड़हिया के हमारी, साई रखवार हो का।
रही बढ़िया में रखवार ये मढ़िया के हमारी भैया वहाँ रानी साहब जब जंगल में निकाली गयी तो परमात्मा के ध्यान करी अच्छा कि हे नाथ अब ये हमारे 3.5 हाथ के मढ़िया के रखवार तो ही है। और का भाई क्यों ना भाई नहीं ये विचार करके वही जंगल में रह लगी अच्छा लेकिन भवा का मास्टर वही अंतिम कहानी पे अपने आ जा हाय कि जब से रानी सुरची आई सुनती दुख भोगत है भाई अरे जी सुनत भाई रघुराई अरे रानी वही ठैया रोई रोई करा था अरे भैया रानी वही जंगलवा में रोई रोई करा था अच्छा रोई कर अरदास रानी कृष्ण का गोर हरे कृष्ण हम पाई दे हम मुसीबत उठाए जब रानी कह का गोड़ा ने हम का दे हम कौआ हमरो कलाई पिराए हो हाँक कर कौआ हमरो कलाई पिराए हो वह जो कह रोटी हमसे खाई खाए जाए हो धीरे छवे महीना दिन खेल चाले शिकार राजा जंगल के मजार हो खेल चाले शिकार राजा जंगल के मजार नींद के बसमा हो गए यही तरह से एक दिन राजा साहब जब रानी के जंगल में निकाले 6 महीना हो गया है 6 महीना के बाद एक दिन राजा साहब के विचार मन में आओ कि चला जंगल में शिकार खेली राजा साहब धनुष बाण उठाए घोड़ा पे सवार भए जब घोड़ा पे सवार भए काफी समय बीत गए
शिकार खेलत खेलत जब काफी दूर निकल गए कौनो शिकार ना मिला कौनो शिकार ना पाए शिकार ना बेचे रहे ना शिकार हेरत रहे शिकार खेले गए रहन आधी रात के समय हो गए राजा साहब घोड़ा हाँक दे जब घोड़ा लेके अपने दरबार में पहुंचे तो देखे तो अपनी जगह पे जितना पहरेदार नौकर रहा सब सोवत रहा कुर्सी बैठ बैठ भैया हे भैया राजा साहब विचार करें घोड़ा पर से ना उतरे देखा तहां तो छुटकई रानी महल में अंदर सोवत बा भैया ये विचार कही के राजा साहब सोचे कि आज परमात्मा हमका बड़ी अच्छी मौका दे बाटे राजा साहब करत काम है अच्छा खेल है चले शिकार राजा जंगल के दर हाँ नींद के बस मा हो गया राजा चलते हैं घर की बार जाई के पहुंचाई दरवाजे पे घोड़ा कह दे धार जाई के पहुंचाई दरवाजे पे घोड़ा कह दे धार जखै तो फाटक बंदर है सब सोए पहरेदार का जखै तो फाटक बंदर है सब सोए पहरेदार का ठाढ़े ठाढ़े राजा साहेब सोचे वही द्वार का जब से रानी सुरची आई सुनती से भैना आज तो अच्छा मौका हम का दे राजा ये घोड़ा पर से ठाड़ रहा है कहे कि हमका आज अच्छा मौका मिला भाई लावा जाई 6 महीना हो गया बड़कई रानी के निकाले अपने रानी से भेंट गई ऐसे कह के राजा साहब हमारे से घोड़ा हाँक दे अब पहुंचा कहाँ जंगल में अच्छा घुआ के घोड़ा चबोटवार से गा जंगल निर्माण का जाय के पहुंचा दरवाजे पर घोड़ा कह दे ढाल का हम ही यही बोलावत रानी राजा है तुहार के सोवत हुआ तो जागा रानी जागत हुआ तो बोला हो हाँ हे मोरी प्यारे प्राण प्यारे जल्द कवरिया खोला हो हाँ हे मोरी प्यारी प्राण प्यारी जल्द कवरिया खोला हो हाँ इतना सुनता है रानी भाई चीन गए तब बोल अरे चीन गई तब बोले रानी उठाई हड़बड़ाई के बाद राजा साहब तो रात में पहुंचा रहा है काने आवाज लगाए अच्छा अरे रानी सोवत हुआ तो जागा हम महाराज आवा ही और का रानी वही कुटिया के अंदर जंगल में सोवत रहा आधी रात के समय रहा रानी सोची कि आवाज तो हमरे महाराज की नहीं आवता है और का लेकिन अबे आज तक 6 महीना बीत गया नहीं दिखाने तो आज आधी रात के समय में करबे का करें और का भाई इतना विचार बना के रानी की जेरा ना माना कहीं आवाज हमरे महाराज की नहीं लागत हां भैया रानी उठी उठाए के अपने हुए झोपड़ी के टटिया यहाँ से वहाँ सटरा देखी तो राजा साहब घोड़े पे घप्पे से गिर पड़े घप्पे से नहीं गिर पड़े उतर गया है अच्छा रानी पकड़ी कलाई कहीं महाराज चला घुसरा ऐसे ना कहीं चला घुसरा कहीं महाराज चला रात के समय बाद थोड़ा से आराम कर लिया अंदर पकड़ के कलाई ले गई और यह एक झिनगर हबे करे करबे का करे दे दे हाँ तीन बात है कहे कहीं करा तू आराम राजा पग दे हे भैया कहीं महाराज हमारा बिहार है हमार पति पति परमेश्वर ऐसे होते हैं और का हमार पति तनिक लेट जा तो हा गुड़वा हाँ तनिक हम पड़ जाए हमरे तेल लगाई दिया की कहा था है राजा पक, 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 तेल नहीं लगाओगे मरानी कहती है कि महाराज लावा तो हा गुड़वा हम मेहंदी तनिक हमार पति बिहार है ऐसे कह के रानी बढ़िया राजा लेट गए और रानी हाथ गोड़ लागी तो भैया एक जानता है कि हाथ गोड़ मिंजन थोड़ा मामला गड़बड़ाई जाता है हे असर पहुंचत भाई कौन असर पहुंचत बे अरे मजे मजे जान ले हे भैया लेकिन रानी लई के तेल भाई यानी लागी गोड़ मिंजे तो करत काम है करा तू आराम राजा पग देई भाई के हरे की रोय रोय रानी हरे कहीं राजा से अरे आखिर कैसे करी तुहार से कैसे तो हर सेवा करी
गद्दा पे सोवत रहे महल में समय रही महाराज, लेकिन आज परमात्मा के ऐसी देन हो गई कि आज हमका चिट रही झिनगा मिली बाय। फूले के टाठी में फूले के बर्तन में जवनार करत रहे, आज हमका फुटाई थरियो ना मिली। आज बाबूजी महारानी के समय आ गिर गए। हे भैया और का बतावत यहाँ कि खोरा गिलास हमई होइगा सपन राजा घर में फूटही थरियो। अरे हम जौ के रोटी खात यही राजा दर दर के यही कौन कौन मुसीबत बताई। एक शेर जौ ये हमका छह महीना आज खात हो गया, और का दूसरा अनाज महाराज आखी देखे हमका ना मिलता है। और का बतावत यहाँ दूसरी अनाज अवर दिया खाई का ना मिले। यही जो में जोन चना बा जो अगर मन विश्राम करे खोते ही बिन के यही का भे के कौन तरह से गुजारा हम करते है। दूसरी अनाज अवर दिया खाई का ना मिले कच्चा चना लड़के भेवाना। अरे ऐसी ऐसी बात राजा रानी महोत रहा अर्जे सुना। जागत भाई काम दे जागत भाई काम देवा हो राम भाई जागत भाई काम देवाना। ये भैया हम रामदेव की बात नहीं करी कामदेव की बात करते हैं। कामदेव भैया रानी हाथ गोड़ मिंजे लगी। राजा जब मुसीबत में पूछ पड़े कि रानी कैसे का हाल चाल बा का बीतत बा, रानी हाथ गोड़ मिंजत रहे। लेकिन बाबूजी एक बूंद सुइया रानी के वही राजा के गोड़वा पे खाप पथे गिरी। अरे इतनी वजन ना रही पागल, जब गिरी तो राजा जान गए कि हमरे रानी कष्ट में बाटे दुख में यहाँ जरूर इनके दुख तो हये बाय। आज रोवत यहाँ राजा हुए पूछ पड़े तो रानी अपन सारी मुसीबत बतावत रहे। बतावत यहाँ भाई अब मींजे जात यहाँ गोड़ धीरे धीरे। लेकिन कहते भगवान के घर देर बा, लेकिन अंधेर ना ना हवा का कि बैठे बैठे गोड़वा दबावे रानी राजा के जागत भाई काम देवाना। अरे करे रति दान राजा रानी के संग मावन के गर्भ रही जावा जाना का देखा कहा के मतलब है कि एक लड़का के बिना रानी घर से निकाली गई। आज उम्र 80 साल हुई है। और का आज 80 साल की उम्र में भगवान ये जंगल में उनके पहले सुन ले हैं। हाँ भाई आज बड़कई रानी पहले गर्भवती हो गई हो। और का जान ला खाता खुल गया भैया श्री। ये पहले बता दें कि भगवान के घर देर जरूर बा लेकिन अंधेर ना बा खाता ना खुला है। हाँ। यानी परमात्मा उनके पहले सुन ले। हाँ। नहीं तो आज यही एक लड़का के एक बार आज जंगल में निकारी ना जाती। जीरो बैलेंस खुला है। बैठे बैठे गोड़वा दबावे रानी राजा के जागत भय काम देवाना। करे रति दान राजा रानी के संगमा उनके गर्भ रही जावाना। अरे बड़के रानी का जंगल मा छोड़ राजा अपने महलिया कयावा मर्द के दर्द ना होता है। एक सौ मुसीबत डाले की जो जंगल में निकालते हैं और दूसरी मुसीबत डाल के भगा है। वह गर्भवती के बिना सोचता है कि हमारे रानी के की होए। और का मामला तनिक गड़बड़ाई गया। गलत काम है।
हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।